विधानसभा के बजट सत्र के दौरान गुरुवार को प्रश्नकाल में पुलिस कर्मियों को देय वेतन भत्ते एवं अन्य सुविधाओं का मामला उठा। कांग्रेस के विधायक चातुरी नंद ने प्रश्नकाल में पुलिस कर्मियों को देय वेतन भत्ते एवं अन्य सुविधाओं का मामला उठाया। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने पुलिस कर्मियों को मिलने वाली सुविधाओं की जानकारियां देते हुए भत्ता कम होने की बातें स्वीकार की। इसके साथ ही उन्होंने भत्ते के पुनरीक्षण के लिए समिति गठन की जानकारी दी। कि आरक्षक से निरीक्षक स्तर तक कार्यपालिक जितका हिवर बल हवे माने सीएफ हवे कि डीएफ हवे ओला 12 माह में 13 माह के वेतन ऐसे दे जात। मतलब एक महीना के वेतन चूँकि व्यस्तता ज़्यादा रहते परिश्रम ज़्यादा हवे और ओमा छुट्टी भी थोड़ा कम है तेखर स्थिति 13 माह के वेतन उमला दे जाते। एकर अतिरिक्त माननीय अध्यक्ष महोदय किट के भत्ता हवे तो वो विभिन्न चीज़ों उम्र रहते हैं तो साल में एक बार 8,000 रुपया इसे दे जाते। हमारे प्रदेश में जितका परेशानी हवे नक्सल के समस्या हवे तेखर स्थिति वो क्षेत्र में जनमन काम करे पर जाते हैं और अन्य वो क्षेत्र से अतिरिक्त अन्य क्षेत्र में भी जनमन हवे विभिन्न संवेदनशील क्षेत्र मनवा ओमा विभिन्न अलग अलग प्रकार के भत्ता हवे। तो जिसे अपन बस्तर संभाग के जिला और राजनांदगांव के 9 थाना क्षेत्र ला छोड़ के बाकी स्थान में 15 से 20% जो संवेदनशील क्षेत्र है ओमा मूल वेतन के 15 से 20% तक के भत्ता दे जाते। अति संवेदनशील क्षेत्र है तो मूल वेतन के 50% है, संवेदनशील क्षेत्र है तो मूल वेतन के 15% है और सामान्य क्षेत्र है तो मूल वेतन के 35% और सामान्य क्षेत्र है तो 15% हमें वहाँ बस्तर संभाग के जिला मन और राजनांदगांव जिला के 9 थाना क्षेत्र जिला छोड़े रहे 13 वहाँ सम्मिलित हवे। एकर अतिरिक्त माननीय अध्यक्ष महोदय विशेष भत्ता हवे नक्सल जिन अभियान हुआ थे तेखर संदर्भ में तो एसटीएफ वाले जिन हवे तिनला मूल वेतन के 50% दे जाते। ऐसनहा विशेष आसूचना शाखा हवे जिन नक्सल ऑपरेशन में लगे हवे तेनोला मूल वेतन के 50% ऐसे विशेष भत्ता दे जावा थे।